नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कानपुर में आज रविवार की सुबह तीन डंपरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद तीनों डंपरों में आग लग गई। हादसे में एक डंपर के कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि छह घायल हैं। हादसा घाटमपुर में जहांगीराबाद चीनी मिल मोड़ के पास बताया गया है। इससे कानपुर सागर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। राहगीरों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद जिंदा जले युवक की लाश निकाली गई, जो पूरी तरह से जल गई थी, जबकि घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से सभी को कानपुर हेलट भेज दिया गया है। यह सभी डंपर के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। घटना सुबह 7 बजे की है। एक डंपर में साबुन बनाने का पाउडर लोड था। यह कानपुर से घाटमपुर की ओर आ रहा था, जबकि दूसरा डंपर घाटमपुर की तरफ से आ रहा था। दोनों की स्पीड तेज थी, ऐसे में आमने सामने दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद पीछे की तरफ से आ रहा मोरंग लदा एक डंपर इन दोनों से टकरा कर पलट गया। वह सड़क किनारे खाई में जा गिरा। टक्कर के बाद तीनों डंपर में आग लग गई। साबुन पाउडर से लोड ट्रक में आग तेजी से फैल गई थी, जिस कारण कंडक्टर बाहर नहीं निकल पाया। आसपास के लोगों ने ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकाला, वह काफ़ी झुलस गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंडक्टर को बचाने की कोशिश की गई, वह अंदर चीखता रहा, लेकिन तब तक आग तेज हो गई थी, ऐसे में उसे बचाया नहीं जा सका। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद डंपर के केबिन से कंडक्टर की जली हुई लाश निकाली। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हाईवे में डिवाइडर नहीं है, इस कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ADM और SCB ने NHAI को इसके लिए लेटर भी लिखा था। पुलिस ने घायलों को पतारा और घाटमपुर CHC पहुंचाया। वहां से सभी को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे में उन्नाव निवासी मुलायम सिंह 30 वर्ष, दीपेश, मैथा निवासी प्रदीप 35 वर्ष, उन्नाव के भैया खेड़ा निवासी सुशील कुमार 40 वर्ष, हरसिंहपुर गांव निवासी सचिन 30 वर्ष गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से साहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।